आज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एलवी सिंह के तत्वाधान में बिहार विधान परिषद उपसभागार में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पर उनको कार्यों को, उनके सम्मान को, उनके किया गया कार्य के रास्ता पर चलने वाले व्यक्तियों को मैंने उनका प्रतिमा चिन्ह दे कर कर करके और उन लोगों को सम्मान करने का भी जो है मैं आज काम किए। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री माननीय सुधा बर्गी जी उपलब्ध हैं। विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र पटेल जी, परमदेव पटेल जी विशेष अतिथि के रूप में जो देश के लिए जो है बराबर जो है एक काम करते रहे, अपने परिवार को छोड़ कर 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 करके समाज को लेकर के चलने वाले व्यक्ति जो इस मंच पर आज उपस्थित हैं, इन्होंने भी देश के लिए ही बराबर सोचते हैं और देश के लिए ही बराबर चिंतित रहते हैं। इनको लोभ नहीं है, इनको लालच नहीं है, ये भी जो एक बोलिया आदमी है, संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं उसी रास्ते पर जो है कि चलने का जो है कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं आज जो है बिहार विधानसभा परिषद में बुला कर कर करके और उन लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित करने का काम किए। किन किन क्षेत्र के लोगों को सर सम्मानित किया जाए? एक क्षेत्र में जो है कि गरीब तत्व के लोगों को जो लोग सेवा देते हैं, जो उनके प्रति सोचते हैं, वैसे वैसे लोगों के यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया। जो समाज के प्रति सोचे, गरीब के प्रति सोचे, किसी के पास फीस नहीं है फिर भी किसी डॉक्टर के पास गया तो देख लिए, वैसे वैसे व्यक्ति जो इनके रास्ते पर चलने वाले हैं, ये नहीं कि इनके रास्ता के विपरीत चलने वाले लोग हैं, उन लोग को जो है कि इसमें जो है कि नहीं भाग मतलब दिए हैं। कितने लोगों को किया गया इसमें? यहाँ पर जो है कि टोटल जो है कि 31 लोगों को जो है कि सम्मानित किया गया, जो लगभग पूरे बिहारे से थे, प्रत्येक जिला से का दो लोगों को चिन्हित किया गया था कि जो वास्तव में इस टाइप के जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं व्यक्ति को चिन्हित कर यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया। इनके जो भी आज बिहार में राज कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार हो या लालू जी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो इनके आवास में नहीं गया होगा, इनसे नहीं मिला होगा। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी एक अपने आप में जो है उनके पास जो रहता है वो किसी के पास नहीं रहता है। इसी का देन है कि आज हम लोग के बीच यहाँ पर जो है प्रेजेंट है स्वतंत्रता सेनानी। मतलब किसी का अगर कहिएगा कि मेरे पैर के नीचे झुको कि लोग झुकते नहीं है, टूटता है। ये चीज जो है एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसा जो व्यक्ति जो है जिसके लेकर करके आज जो है पूरे देश चल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी लोभ और लालच के चक्कर में लोग नहीं पड़ते, ये लोग जवान के चक्कर में पड़ते हैं। एक बार मुंह से निकाल दिए वो लकीर के बांध हो गया, वो चीज को पूरा करना है, वो आगे देखेंगे न पीछे देखेंगे। इसके लिए खून भी करना पड़े तो खून की बलि भी देने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो वैसे व्यक्ति आप लोग के बीच आकर कर करके मैं इनसे आग्रह करेंगे कि आए और सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच में आप अपना बात को खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एलविश करूंगा कि कुछ देर पहले भाई साहब जो थे कुछ मूर्ति का बात कर रहे थे कि इतने फीट की मूर्ति है। बिल्कुल सही बात है, मूर्ति बनाया क्यों जाता है और बनता है वो पत्थर से। पत्थर आप देखते होंगे जब तक कि पत्थर छेनी हथौड़ी का मार नहीं खाता है तब तक कोई मूर्ति का रूप नहीं ले पाता। यानी कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से ये सीखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते जाएं और पेंशन करना हमारा काम है।